मॉर्निंग स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरे इन फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट, टॉपिक इज न्यूमेटिक इलेक्ट्रिक सर्किट। न्यूमेटिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग जो घरों की वायरिंग होती है उसमें एक मीटर होता है। मीटर के द्वारा लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और आग वायर चलता है, जिसमें के सारे कनेक्शन हमारे लाइव वायर न्यूट्रल वायर होते हैं, जो कि हमारी कॉम्बिनेशन जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जिसके द्वारा हमारे इलेक्ट्रिक पंखे, लाइट, बल्ब ये सब चलते हैं। और मीटर भी हमारी रीडिंग देता है कि हमने कितनी बिजली खर्च की है, जिसको कि हम किलो वाट आवर में निकालते हैं। इसमें कुछ कॉमन टर्म्स हैं न्यूमेटिक सर्किट में, जिससे पहले हम पढ़ेंगे कि ओवर लोडिंग है। ओवर लोडिंग ऑफ डिजिटल वायरिंग इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ लार्ज करंट फ्लोइंग, यानी कि जब बहुत ज़्यादा करंट हमारे घरों में आ जाती है, यानी हम ज़्यादा डिवाइसेस को यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, मोटर है, फ्रिज है, कूलर है, पंखे हैं, ये सभी चीज़ें जब हम एक साथ यूज कर लेते हैं तो हमारी करंट जो है काफ़ी इंक्रीज कर जाती है, जिसे हम बोलते हैं ओवर लोडिंग। यानी अप्लाइंसेस का ज़्यादा यूज करने से जो करंट होती है वो ओवर लोडिंग में रहती है। जनरली हम 3 एम्पीयर का यूज करते हैं, लेकिन जब इससे ज़्यादा हो जाता है तो हम ओवर लोडिंग हो जाएगा। सेकेंड है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, हमारे जो वायर होते हैं एक होता है लाइव वायर, एक अंड वायर, एक न्यूट्रल वायर। जब वायर हमारे किसी डिफेक्ट के कारण आपस में टच हो जाते हैं तो हमारी शॉर्ट सर्किट होता है। समटाइम्स लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू फॉर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ड्यू टू डिफेक्ट एंड लार्ज करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, इट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। यानी कि जब हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कनेक्शन में आ जाते हैं तो एक बहुत ही लार्ज अमाउंट करंट जो होती है फ्लो कर जाती है, जिससे कि शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है और हमारी जो वायरिंग होती है डैमेज हो जाती है, और इसके रीजन से ही हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तीसरा है फ्यूज। ए फ्यूज इज ए स्मॉल पीस ऑफ वायर ऑफ मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारा फ्यूज होता है, फ्यूज होता है जिसकी रेजिस्टेंस होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी जब और अप्लाइंस हमारा ज़्यादा होता है तो एकदम से फ्यूज जो है ब्रेक होता है। ये अलाय बना होता है टिन और लेड, टिन और लेड से मिलकर बना होता है पीवी और एसएल। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, जिसके कारण जरा भी हमारी पावर या करंट इंक्रीज करेगी वैसे ही फ्यूज वाला हमारा ब्रेक हो जाएगा, और फ्यूज वायर के ब्रेक होने से हमारी जो लाइट है अप्लाइंसेज है वो बच जाएगी। तो अप्लाइंसेज में डोमेस्टिक सर्किट में मेन ये तीन इंडिकेशन हैं, जो कि मूल रूप से किया सकती है ओवर लोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग और फ्यूज। और कलर कॉम्बिनेशन कुछ रहती है कि कौन सा कलर किस कलर का होता है, जैसे लाइव वायर, लाइव वायर हमारा किस कलर का होता है, न्यूट्रल लाइव वायर रंग हमारा रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर हमारा ब्लैक कलर का होता है, हॉट वायर हमारा जो है वो ग्रीन कलर का होता है। तीन कलर हमारे वायर हमारे यूज किए जाते हैं, एक लाइव वायर है, दूसरा न्यूट्रल वायर है और तीसरा हॉट वायर है। लाइव वायर हमारा रेड
ग्रीन रंग का। ये हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स एक उपाइट है जिनको कम्प्लीट करना है, और कुछ चीज़ें हमारे सिलेबस से हटा दी गई, उनको चीज़ नहीं करना है। जो चीज़ करना है वो चीज़ें आज के टॉपिक में इतना ही, इतना कॉपी करिए और सर बनाइए। गोल्ड का पहुँचते हैं।